जज रघुनाथ यानी पृथ्वीराज कपूर की पत्नी लीला यानी लीला चिटनिस अपहरण के बाद घर आती। रघुनाथ को पता चलता है कि वो गर्भवती हैं। समाज की बातों में पढ़कर वो अपनी पत्नी को निकाल देते हैं। इन दुख भरे हालात में लीला एक बच्चे को जन्म देती है। फिर इस सीन के बैकग्राउंड में म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन की धुन और गीतकार शैलेंद्र की कलम से सजा एक गीत सुनाई देता है। पतिव्रता सीता माई को तूने दिया वनवास, क्यों ना फटा धरती का कलेजा, क्यों ना फटा आकाश, जुल्म सहे भारी जनक दुलारी। ये फिल्मी सीन साल 1951 की फिल्म आवारा का है, जिसमें श्री राम कथा की पृष्ठभूमि दिखती है। श्री राम कथा के सुखांत में भगवान श्री राम अपने दोनों बेटे लवकुश को अपनाते हैं, पर माता सीता धरती की गोद में समा जाती है। फिल्म आवारा में भी जज रघुनाथ अपने बेटे को अपनाते हैं, पर पत्नी लीला से मिलन अधूरा ही रह जाता है। समाज के सत्य और विसंगतियों को इस तरह फिल्मों में पेश करने की कला शोमैन राज कपूर के पास थी। फिल्म आवारा में राज कपूर बतौर एक्टर और डायरेक्टर काम कर रहे थे। फिल्म के स्टोरी राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास थे। लव स्टोरी, बेताब, अर्जुन और अंजाम जैसी कई फिल्मों के डायरेक्टर रहे राहुल रवेल अपने एक लेख में लिखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री राम चरितमानस का हर प्रसंग राज कपूर को कंठस्थ था। उनके मन में प्रभु श्री राम बसते थे, यही वजह थी कि उनकी कई फिल्मों की पृष्ठभूमि में श्री राम कथा की मूल भावना दिखती थी। वो हमेशा कोशिश करते थे कि फिल्मों के जरिए समाज को कोई ना कोई संदेश दिया जाए। राहुल रवेल आगे लिखते हैं कि राज कपूर मानते थे जो बात सहज और सरल शब्दों में कही जाए उसका प्रभाव अलग होता है, इसलिए वो अपनी फिल्मों की कहानियों को मौजूदा वक्त के संदर्भ से जोड़ते थे। राज कपूर ने इंडस्ट्री को 50 साल दिए, 70 से ज्यादा फिल्मों में बतौर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम किया, लेकिन अभी तमन्ना रह गई एक ऐसी फिल्म बनाने की जो समाज के दोहरे चरित्र पर कटाक्ष करे, सभी को सोचने पर मजबूर कर दे। लोग अपने पाप पुण्य का विचार नहीं करते, व्यवस्था भी ऐसी है, पाप करने के बाद गंगा में डुबकी लगा दी तो ये माना जाता है कि सारे पाप धुल जाएंगे, माँ गंगा का आंचल उन पापों को समेट लेगा। 14 सालों के वनवास के लिए भगवान श्री राम अयोध्या से निकले तो प्रयागराज भी ठहरे। वहां उन्होंने देखा गंगा स्नान के जरिए श्रद्धालु अपने पापों से मुक्त हो रहे। गोस्वामी तुलसीदास श्री राम चरित मानस में लिखते हैं, को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृग राव, अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। अर्थात प्रयागराज की महिमा कौन कह सकता है भला, यदि पाप रूपी मदमस्त हाथियों का समूह सब कुछ नष्ट करते हों तो सिंह रूपी तीर्थराज प्रयाग उनका वध कर सकता है। ऐसे तीर्थराज का दर्शन कर स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। ये पूरा प्रसंग राज कपूर के मन में बसा था। दिक्कत थी इस विचार को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए उनके पास कोई कहानी नहीं थी, कहानी की तलाश थी। इसी दौरान वो एक शादी में शरीक होने दिल्ली गए। शादी में म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन अपनी परफॉर्मेंस के दौरान एक गीत गा रहे थे जिसके बोल थे, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। ये गाना राज कपूर ने सुना तो सीधे स्टेज पर पहुंच गए, ऑर्केस्ट्रा रोक दिया। राज कपूर रविंद्र जैन से बोले, मैं श्री राम चरित मानस के एक प्रसंग से काफी प्रभावित था पर कोई कहानी नहीं मिल रही थी, आज आपके इस गाने से मुझे अपनी फिल्म के लिए मजबूत आधार मिल गया। राज कपूर ने उसी दौरान रविंद्र जैन को साइनिंग अमाउंट दिया और कहा, आप मेरी अगली फिल्म के लिए म्यूजिक दे रहे हैं। साल था 1985 और फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। फिल्म सुपर हिट हुई, बॉक्स ऑफिस में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म राम तेरी गंगा मैली राज कपूर की जिंदगी का आखिरी नायाब काम था। वो फिल्म के डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और एडिटर थे। फिल्म के हीरो थे राज कपूर के बेटे राजीव कपूर और हीरोइन थी मंदाकिनी। राज कपूर ने आरके स्टूडियो की नींव रखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां पर भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। किसी भी फिल्म के मुहूर्त से पहले राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर शिव की आराधना करते। राज कपूर सहज भाव से उस पूजा पाठ का हिस्सा बनते। फिल्म डायरेक्टर राहुल रवेल अपने लेख में लिखते हैं, साल 1955 की फिल्म श्री 420 में मेरा जूता है जापानी गाना गाने वाले और पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर राज कपूर का दिल हिंदुस्तानी था और इस हिंदुस्तानी दिल में भगवान श्री राम बसते थे। संयोग देखिए,
14 दिसंबर साल 1924 को जन्मे राज कपूर की साल 2024 में जन्म शति है और साल 2024 में ही राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। अगर सिनेमा की बात की जाए तो भारतीय जनमानस में बसी श्री राम कथा के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हमें धर्म और समाज के मूल कर्तव्यों का पालन करना सिखाया। दूसरी तरफ आज का सिनेमा हमारे जो समाज को बेहद प्रभावित करता है वो क्या सिखा रहा है? क्या इन फिल्मों में राज कपूर की फिल्मों की तरह श्री राम कथा की पृष्ठभूमि दिखती है? ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।